खुला मैदान है, अब वो शेर दौड़ेगा, सो हैप्पी एंड रोहित आई एम वेरी हैप्पी फिल्म्स आर वर्किंग एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दैट कॉज ऑल्सो आई फील दैट दोस्तों शाहरुख ने वो इतिहास लिख दिया है जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। तरण आदर्श की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि डंकी ने 6 दिनों में 300 करोड़ कमा लिए हैं और ये एक फैमिली एंटरटेनर मूवी होने के बावजूद भी ओवरसीज में बहुत अच्छी कमाई कर रही है। वहीं इंडिया में भी डंकी ने अपना डंका बजाया हुआ है। अगर हम शाहरुख खान की डंकी मूवी की टोटल ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 7 दिनों में ये मूवी 310 करोड़ कमाकर इंडिया की हाइस्ट कलेक्शन करने वाली और शाहरुख खान की तीसरी बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी बन गई है। और अभी तो वीकेंड शुरू होने वाला है तो डंकी की कमाई में और ज्यादा इजाफा आएगा। लोग हॉलीवुड मूवीज को छोड़कर डंकी को देख रहे हैं और डंकी के सारे शोज हाउसफुल चल रहे हैं और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो कि शाहरुख खान बना सकते हैं। और वहीं डंकी एक ऐसी कहानी है जो कि काफी कुछ सिखाती है। वहीं उसी के साथ सलार को भी रिलीज किया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि सलार वाले अपनी स्कैम कलेक्शन बता रहे हैं और वह अपने पुराने पोस्टर्स भी डिलीट कर चुके हैं। और वहीं शाहरुख खान अपनी ईमानदारी और सच्चाई से जो कमा रहे हैं उसी का ही पोस्टर अपलोड कर रहे हैं। इसका मतलब सलार डंकी के आगे फ्लॉप हो गई है और शाहरुख ने एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार जो रिकॉर्ड की धजियां डंकी उड़ा रही है वो देखकर सलार के मेकर्स भी हैरान है। लगता है शाहरुख को अब कोई भी रोक नहीं सकता और एक साल में जो कमाई शाहरुख ने की है उसके आगे कोई भी साउथ का एक्टर या फिर बॉलीवुड का एक्टर टिक नहीं सकता। शाहरुख ने एक साल में 3 सुपरहिट मूवीज देकर बॉलीवुड का इतिहास डूबने से बचाया और अब राजकुमार हिरानी की डंकी से एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने आ गए हैं। ये इतनी बड़ी कमाई है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और वहीं इंडिया में डंकी की एडवांस बुकिंग ने ताबड़तोड़ तबाही मचा दी है और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और इंडिया में डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन भी मिल चुके हैं। इस पर YRF इंडिया में और ओवरसीज में डंकी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मिलने की संभावना है और यह अब एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। डंकी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है जिसकी वीडियो आपको ट्विटर पर देखने को मिलती है। दोस्तों शाहरुख खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता क्योंकि जवान के बाद शाहरुख खान का स्टारडम काफी बड़ा है और अब तो राजकुमार हिरानी की मूवी में शाहरुख खान आएंगे। इसका मतलब सारे रिकॉर्ड खत्म। सच बताना, आप डंकी का कितना इंतजार कर रहे हो और आप क्या डंकी का फर्स्ट शो देखने जाओगे? कमेंट में लाजमी बताना। और अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको शाहरुख खान की हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहे।